अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग जा रहे हैं जी सवात की तरफ, और मेरे साथ है फादी, उस्मान और आसिम, और ये है नवीद। तो सवात जाके भाई आप लोग क्या करोगे? मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। अच्छा, कर रहा हूँ इस्लामाबाद की सवात। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी के एंजॉय करूँगा। हाँ, ये देखो ऊपर भी ज़रा सब नाश्ता करने जा रहे हैं। तुम लोगों ने नाश्ता किया है? करवाएंगे आप रास्ते में? नाश्ता तो नहीं हम करवाएंगे, हम खाली लेके जाएंगे। भाई तुम भी पहली बार जा रहे हो? जी, मैं भी पहली दफा। चेयर लिफ्ट लोगे? बिल्कुल। वो हम कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं कराची से। कराची से आए हो सवात के लिए? सवात के। देखो भाई तुम लोग इधर होके नहीं जाते, लोग कराची से आ रहे हैं। आसिम भाई आप पहले जा रहे हो? जी पहली दफा जा रहे हो। पहली दफा जा रहे हो, घर बता के आए हो ना? जी, अरे गुड यार, ये लड़का घर भी बता के इंश्योरेंस भी करा के आया होगा। और भाई ये नवीद भाई है जी, नवीद भाई भी पहली बार जा रहे हो। नवीद भाई सरगोधा से सवात के लिए आए हैं। हम सब डिफरेंट जगहों से हैं, कोई एक जगह से नहीं है, तो चल के देखते हैं हर किसी के लिए कैसी जगह है, कैसा एक्सपीरियंस होता है। सवात अगर आप लोग जाएंगे तो आप कर्नल शेर खान टूल प्लाजे से नीचे उतरेंगे, यहाँ पे आके पहले टूल देंगे, फिर अगली कार्रवाई होगी। ये नहीं, पर्ची भी तो दो भाई। ये लो भाई, कितना है भाई टोल प्लाजा इधर का? अभी भाई टोल इस्लामाबाद से यहाँ तक 140। इसको हाथ ला रहे हो भाई, अब बोलो कहाँ जा रहे हो? सवात जा रहे हो। सवात मोटरवे यहाँ से स्टार्ट होगी है, अगर यहाँ से आप लेफ्ट होंगे तो आप इस्लामाबाद दोबारा चले जाएंगे, और सामने जाएंगे तो बिल्कुल सीधा सवात के लिए। क्यों भाई कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, अभी तक मज़े आ रहे हैं। कान शान तो नहीं बंद हुए? नहीं कुछ भी नहीं बंद। जो असल में पहाड़ी इलाकों के आदि ना हो, उनके कान भी बंद हो जाते हैं आप हाइट की वजह से। हो जाते हुए तो नहीं अभी तक? ये पलाई आ गया इस एरिए के, रेड ब्लड जो माल्टे नहीं होते वो बहुत मशहूर है। और ये आगे थोड़ा सा आगे यहाँ पे स्वाट टनल आ जाएगी। यहाँ से जी मोटरवे ख़त्म हो गई है, यहाँ से अभी हम जीटी रोड के लिए। वेलकम टू दी स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। यस ओ कना, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जा रहे हैं जी रास्ते में, अभी हम पहुंचे हैं, अभी वक्त 2 बजे हम यहाँ पे मिले हैं, यहाँ के लोकल हैं। तो वक्त भाई ये कौन सी जगह है, इस जगह का नाम क्या है? ये वाली ये कोटा अबुआ। यहाँ से आगे सवात कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तकरीबन 10 किलोमीटर, फिर उससे आगे मैंगोरा आएगा, आगे 10 किलोमीटर मैंगोरा होगा, वहाँ से आगे फिर मालम जगह है, फिजागढ़ आएगा, फिर ऊपर चले जाएंगे। और इस साइड वाला जो है मालम जब्बा, ठीक है। तो अभी वो जो चेयर लिफ्ट कह रहा है वो मालम जब्बा में। हाँ, कलाम जाने का कोई है मतलब? उशु फॉरेस्ट जो है वो कलाम है? वो उशु फॉरेस्ट है। वो आगे कितने हैं वहाँ से? चल भाई और कोई ख्वाहिश हो देख, तुझे चाय भी मिल गई है। बिल्कुल, यहाँ से बाद तो दोबारा ताज़ा दम हो जाएगा, फ्रेश 0 मीटर। ठीक है, यहाँ से आगे हमारा सारा 1.5 घंटे का सफ़र है। ये ऊपर से क्या डाला है? खोपरे वाली चाय। आ जाओ, यहाँ से अभी हमने नाश्ता किया, चाय पियेंगे और आगे
मैंगोरा की तरफ जाएंगे यार। चाय में खोपरा भी है, चाय अगर तुम्हारे गले में कोई चीज़ फंसे है तो परेशान नहीं होना, वो खोपरा है। कलाम 97, मेंदनम क्या 50, मालम जब्बा 46, शांगला 40, खजा खेला कितना था 40। हाँ भाई, तस्वीर आएगी ना? तस्वीर आएगी, आउट क्लास आएगी, अभी वीडियो आ रही है। कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तक? जबरदस्त नजर आया ना, बहुत ब्यूटीफुल नजारे, ब्यूटीफुल नजारे, फुल इंग्लिश आ रही है भाई। हाँ भाई उस्मान भाई, मजा आया? लाजवाब हो गया, लाजवाब हो गया, गुड हो गया। हाँ भाई ओके है, ओके है जी। थोड़ा सा रह गया, 20-22 किलोमीटर रह गया यहाँ से मालम जब्बा, तकरीबन हम आ चुके हैं। तो बाकी ऊपर चल के देखते हैं कैसा है। ऊपर पर्ल कॉन्टिनेंटल है और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ जी मालम जब्बा। सामने लिफ्ट वगैरह है, वो ऊपर जा रही है यहाँ से, ये नीचे से वो ऊपर तक। व्यू काफ़ी खूबसूरत है, पहले बादल थे, अभी बारिश, गाड़ी हमारी नीचे ख़राब हो चुकी है तो कुछ लोग उसको सही करा रहे हैं, कुछ वो नीचे गए हैं लेने के लिए मिस्त्री के लिए। अभी दोबारा वो आएगी तो जब तक मैं लिफ्ट लेके ऊपर तक आ चुका हूँ, अभी जब तक मैं यहाँ पे घूमता हूँ, अगर वो आ गए तो ठीक है, नहीं तो घूम के मुझे भी दोबारा वापस नीचे ही जाना होगा उनके पास। ये मालम जब्बा ज़िप लाइन और चेयर लिफ्ट का टिकट है जी 2500 रुपये का। ये सामने ज़िप लाइन हो रही है, आप एक साइड से चेयर लिफ्ट से जाते हैं और दूसरी साइड से ज़िप लाइन से वापस आएंगे। तो बाकी स्केटिंग वगैरह जो है वो नीचे, वो तो नहीं फ़िलहाल इतनी हो रही, ज़िप लाइन और चेयर लिफ्ट पे ज़्यादा रश है। ऊपर इसकी जो ज़िप लाइन है वो टॉप पे, पीसी के टॉप पे जाके उतरती है। चल के देखते हैं कि क्या होता है, कितना मज़ा आता है। ऐनक तो नहीं है मेरे पास, ऐनक शैनक मेरी नीचे गाड़ी में रहेगी ये, तो फिलहाल तो ऐसे ही है। हाँ ये सर हमारा साइड वाला, इसको कहते क्या है ये सर? ये स्की स्लोप है ना, स्की स्लोप है ये, वही पूरी किट के साथ जी, विदाउट किट। एक हो गया, चलो एक बड़ी ऊपर से होके आते ना, फिर देखते हैं। ये जेट से की होती है, क्या होती है ये? ये स्की होंगे, स्की होती है, खाली स्कीइंग, ये खाली स्कीइंग होती है, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनर के साथ जी, प्रॉपर ट्रेनर के साथ क्या चार्जेज है इसके? इसका सर हम लेते 1500 रुपये, जो कंपनी का रेट है ना, ठीक है, 2400 रुपये रहते हेल्पर के बगैर, विदाउट हेल्पर। हाँ, जब आप हेल्पर पकड़ते हैं ना, ठीक है, तो 1800 रुपये वो लेते, उसके भी अलग चार्ज जी, हाँ सर अलग चार्ज, ठीक हो गया। और ये जो है हमारा अपना लोकल, ये आपका अपना लोकल विदाउट कंपनी है जी सर, ठीक हो गया, यहाँ का लोकल है बिल्कुल। ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ी भी है, बच्चों के लिए भी झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो बर्फ़ काफ़ी हद तक कम भी हो चुकी है, तो सामने चेयर लिफ्ट आ चुकी है। इसके अंदर घूम घूम के जाना होगा, घूम घूम के फिर जा, फिर आपको वो मज़े आएंगे जिसकी खातिर आप आए। ये चेयर लिफ्ट है, तो ऊपर टॉप पे ज़िप लाइन है।
बाबा की साइड देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ, आओ अगर आप पैदल साथ साथ आएंगे तो साथ साथ सीढ़ियाँ भी हैं, यहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं बिल्कुल ना साथ साथ, ये जंगले के बाहर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो ये ऊपर की तरफ आ रही हैं। ये इसका टॉप व्यू है पहाड़ों के ऊपर ऊपर, बिल्कुल ऊपर ऊपर जो है स्नो है अभी भी, पर नीचे कम हो चुकी है। साइड पे काफी झूले वगैरह भी हैं। बाकी की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स हुई है पिछले हफ्ते। ये नीचे जो है आपको वाइट वाइट नजर आ रहा है, ये ग्राउंड है ठीक, जो के ऊपर से स्लाइड ली जाती थी और नीचे तक आप स्केटिंग करके जाते थे। वो सामने जिप लाइन है, वहाँ से जिप लाइन स्टार्ट होती है और आप आस्ता आस्ता नीचे जाते हैं। ये भाई मेरे कुछ पैदल जा रहे हैं, गिरते गिरते जंगलों को पकड़ा हुआ है किसी ने क्या किया हुआ है, तो बस चल रहा है सिस्टम। ये करके दिखाओ। ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, अगर गिरे फिर क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ज्यादा कोई चीज टूटेगी। बादल हो गए हैं, हवा काफी ठंडी चल रही है तो एंजॉय कर रहा हूँ काफी। बाकी दोस्तों को मिस भी कर रहा हूँ जो नीचे रह गए हैं, वो भी जल्दी आ जाए तो और मज़ा आएगा। ऊपर टॉप की तरफ पहुंचने वाला हूँ मैं, तकरीबन थोड़ा सा रह गया है तो टॉप पे पहुंचता हूँ तो टॉप का व्यू आपको दिखाता हूँ। नीचे ये सब वाइट हुआ है तकरीबन सारा, तो काफ़ी खूबसूरत व्यू है नीचे से, है नीचे से काफ़ी खूबसूरत हुआ है, यहाँ से तो जो वीडियो है इसकी क्या ही बात है। वो लोग किस लिए हैं, वो वाले जो हैं वो प्राइवेट जो जिस तरह लोकल लोग कर रहे होते वो वाला, तो अगर जिस तरह वो जिप लाइन पे जाना है वहाँ से नहीं हो सकता, तो जिप लाइन के लिए कैसे जाना होगा, वो रास्ता है लेकिन टिकट नहीं लिया। हाँ हाँ वो रास्ता है। उसका लहदा से रास्ता है, नहीं ये एक साथ रास्ता है, सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं। ठीक ठीक, मतलब आना यहीं से है। टॉप बिल्कुल ये मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा रह गया तो ऊपर टॉप पे पहुंचता हूँ मैं। टॉप पे पहुंच के हाल हालात देखते हैं कैसे हाल हालात हैं, कितनी देर रुकना है, क्या करना है, क्योंकि जो बाकी हैं वो पीछे हैं अभी, तो वो नीचे से आएंगे तभी हम दोबारा नीचे जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रह गया टॉप, ये तकरीबन 2-3 किलोमीटर की है वापसी पर, जिप लाइन लूँगा मैं वहाँ से जाते हुए, तो ये यहाँ से इसका नीचे। काफ़ी सिटिंग अच्छी अच्छी बनी हुई है पर कचरा का बहुत बुरा हाल है, साइडों पे कचरा बहुत है। वो उस साइड पे हट बहुत अच्छे बने हुए, उधर ही जाके बैठता हूँ मैं, वेट करता हूँ थोड़ा सा। ऊपर तो काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही है यार, नीचे नहीं थी।
मजा आया? थक गए हम। थक गए? कितने बजे आए थे? हम आए सुबह 8 बजे। तो बहुत जल्दी आए। वो ऊपर गए थे हम। किस साइड पे? उस साइड पे ठीक हो गया। यार ये कितने किलोमीटर की है? ये दो की तो नहीं है, ज्यादा की नहीं? एक की है ना? करो, नीचे वाले तो कह रहे हैं 2 किलोमीटर की है। कसम से पूछा मैंने उनसे। अभी वापसी का क्या टाइम पीरियड होता है? मजहब का मर्जी, हमारी मर्जी पे है। ठीक है, दूसरा मैंने तो जाना भी जीप लाइन लेना है मैंने तो। तो मुझे इधर से किस साइड जाना है? इस रास्ते से लास्ट टाइम है। नहीं, जिप लाइन के लिए किस साइड पे जाऊंगा मैं? जिप लाइन वो रास्ता है नहीं, किस सीढ़ी है। ठीक है, स्लिपरी वगैरह तो नहीं है? जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये पकोड़े, आप मालब जब्बा आए और जुबैर शाह साहब के पकोड़े ना खाएं, ये भी गलत होगा। तो जुबैर भाई, ऐसी बात ही है ना, जुबैर भाई का जो पॉइंट है खाने पीने का, वो बिल्कुल आप ऊपर पहुँचे तो आपके लेफ्ट साइड पे पड़ेगा। सही। जुबैर भाई, यहाँ पे आने के लिए बेस्ट मौसम कौन सा है? ये गर्मी मौसम में। गर्मियों में जाते हैं? गर्मी मौसम में। सही, बर्फ़ नहीं होती तो इस वजह से मौसम ज़्यादा अच्छा होता है, ज़रा खुशगवार होता है, ठंडी हवा चलती है, शाम अच्छी हो जाती होगी। दिन में तो पर धूप पड़ती होगी ना? हाँ जी। तो अभी सर्दियों में आओ तो एक अलग मजा है। बर्फ कम है ना? बिल्कुल 7-8 फुट बर्फ पड़ी है। इस बारी कम पड़ी है? कम पड़ी है, ये तकरीबन 1 महीने से ज्यादा होगा। इसको भी जो पड़ी हुई है, इसको भी? ये तो 1 महीने से पहले था। बिल्कुल, ये पुरानी है ना सारी? हाँ, ये पुरानी बर्फ है ना, बिल्कुल ताजी अभी तो नहीं हुई। वो कम होती है, वो तो जैसे होती वैसी खत्म हो जाती है, ऐसा ही है। वेदर डिमांड है जी, पकौड़े और गर्मा गर्म चाय, क्योंकि जब तक वो नीचे से अभी तक नहीं पहुँचे, अभी तक जब तक वो पहुँचते हैं, जब तक मैंने कुछ पेट पूजा की जाए, पेज पोड जो पेट पूजा होती है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपने चलना फिरना जो होता है, जब तक आपके पेट में कुछ नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पेट भरा हुआ, तभी आपको सब लोग अच्छे लग रहे होते हैं और आप घूम फिर भी रहे होते हैं। दूसरा, हाँ हाँ, ठा दे खोल दे भाई, कराची आ गया। ये बाबा जी, तालियां, उतरना यहाँ पे, उतरना, लैंडिंग हो गई है, हैप्पी लैंडिंग। ये दूसरी किधर है? कैसा रहा भाई? सही किया वैसे, कैसा रहा? बहुत अच्छा टूर, हम लोग आए थे और हमारी गाड़ी रास्ते में जाते हुए बहुत मजा।